और इस बीच एक अहम खबर है, यूक्रेन ने रूसी टैंक को मिसाइल से उड़ा दिया है। एंटी टैंक मिसाइल से रूस की सेना पर अटैक किया गया है। यूक्रेन के हमले का एक ड्रोन वीडियो भी सामने आया है और ये वीडियो देखिए, ये खतरनाक वीडियो इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। किस तरह से रूसी टैंक को बाकायदा निशाना बनाकर, ये टारगेटेड अटैक था, निशाना बनाकर मिसाइल अटैक किया गया है, जिसमें ये रशियन टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया है। एक के बाद एक लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि न सिर्फ यूक्रेन की सेना को बल्कि रूस की सेना को भी भारी नुकसान हुआ है इस जंग में। कर्नल दिनेश नैन साहब हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। नैन साहब, जरा ये बताइए कि यूक्रेन की स्ट्रेटजी क्या नजर आती है, क्योंकि इससे पहले यह जानकारी भी सामने आई कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से यूक्रेन को यह इनपुट दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से 8-10 दिन इस युद्ध को और खींच लो, अगर ऐसा होगा तो रूस झुकने के लिए मजबूर होगा। क्या इसमें दम नजर आता है क्या? नहीं समीर, अगर हम पीछे मुड़ के देखें, 1 अगस्त 2008 से 12 अगस्त 2008 तक जॉर्जिया का युद्ध चला जी, और अगर आप जॉर्जिया की जो क्षेत्रफल है उसको देखो तो 1/3 है यूक्रेन के मुकाबले। बिल्कुल। तो यानी ये जो टाइम लग रहा है, ये जो टाइम लग रहा है अभी, ये टाइम अमूमन इस तरह की लड़ाई में जिसमें कि लोग अगले दुश्मन की सेना, खासकर यूक्रेन की सेना बिल्डअप एरिया में, रिहायशी एरिया में चली गई हो, और जिस सेना के नेशनल गार्ड्स को पहले से ही नेटो कंट्रीज ट्रेन कर रही हो, उनको मिसाइल्स दे रहे हो, शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स जितनी भी हैं इनके पास में, उनको लेटेस्ट वेपन्स इनको दे रखे हो जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से अभी लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई अगर 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 गलियों में घुस के रूस लड़ेगा तो शायद महीनों लग जाएंगे। लिहाजा रूस ने आज, जैसे आपको पता है, आज एक साइलेंस जोन, साइलेंस पीरियड घोषित किया था 5 से 7 घंटे का काफी शहरों में, ताकि सिविलियंस निकल जाए। और इसके बाद अब जिस प्रकार से जॉर्जिया और चेचन्या के अंदर इन्होंने अपना अटैक किया था, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। साथ दिनेश नैन, देखिए आगे बढ़ रही है रूसी सेना, ह्यूमन कॉरिडोर भी आज बना ताकि सेफली इवैक्यूएट हो सके वहां से सिविलियन। लेकिन इसमें क्या यूक्रेन की भी कोई एक स्ट्रेटजी है शहरों तक रोकना रशियन आर्मी को?